अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैंगो का सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मज़ेदार सी मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर की जाए। बहुत जल्दी और बहुत इजी बनने वाला ये मैंगो ट्राइफल है। आप इसे किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, ईद पे बनाएं, दावत पे बनाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बनता ही इतना मज़े का है। चलें जी अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ लिए हैं 3 अदद आम, इनमें से 2 की हम लोग बनाएंगे प्यूरी और 1 को हम लोग स्लाइस में काट लेंगे। 1.5 लीटर मैंने यहाँ दूध लिया है, जिसमें से 1 कप हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है। मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, 1 पैकेट जेली का लिया है, 1 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 डिफरेंट तरह के हमने बिस्किट्स लिए हैं। आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। बिस्किट हम यूज़ करेंगे लेयर्स के लिए। चलें जी अब मैं मैंगो काटती हूँ और फिर वापस आती हूँ। ये देखें जी, मैंने मैंगोस को काट लिया है। 1 मैंगो के मैंने चंक्स काट लिए हैं और 2 मैंगोस को मैंने वैसे ही छील के काट लिया है, जिसको हम ब्लेंडर में डाल के इनकी प्यूरी बना लेंगे स्मूथ सी। क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कुछ लोग क्रीम वाला कस्टर्ड नहीं पसंद करते तो वो क्रीम ना ऐड करें। हमारे घर में तो सब क्रीम वाला कस्टर्ड खाते हैं तो हम लोग बिल्कुल शामिल करेंगे इसको। 1 ज़िप्लॉक बैग लिया मैंने, जिसमें बिस्किट्स को क्रश करूँगी। ये देखें जी, मैंगोज़ को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसकी अच्छी और स्मूथ सी एक प्यूरी तैयार कर ली है। 2 कप मैंने पानी लिया है, जिसमें हम लोग जेली बनाएंगे। हमने तीनों बिस्किट्स को अलग अलग क्रश करके रख लिया है। इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो गए, चलिए अब जेली बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले हम लोग पानी डालेंगे, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम इसमें जेली नहीं शामिल करेंगे। ये देखें जी, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, अब हम इसमें जेली ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें जी, जेली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, पक के अच्छी तरह डिसॉल्व हो गई है पानी में। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ये देखें जी, जेली को मैंने ठंडा कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना। अब जी इस बॉक्स में इसको डालूँगी मैं और ठंडा करूँगी। जिस बर्तन में आपने इसको बनाया उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। चलें जब इसको फ्रीज़ करते हैं। आप इस तरह का कोई भी फ्लैट बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी अब कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर दूध शामिल करेंगे। इसमें से 1 कप दूध हमने रख लेना है, जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है। कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और दूध में बॉयल आने तक वेट करेंगे। दूसरी साइड पर हम लोग कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स करते हैं। ये मैंने 5 चम्मच मैंगो कस्टर्ड लिया है, इसमें हम लोग दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि गुटलियाँ वगैरह हैं वो ना बने और एक स्मूथ सा हमारे पास मिक्सचर बन जाए। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह गुटलियाँ नहीं हैं। ये देखें जी, दूध हमारे बॉयल आना शुरू हो गया है। साइड्स आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये चीनी मैंने शामिल कर दी है, इसको अच्छी तरह हिलाएंगे जब तक चीनी अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं हो जाती। ये देखें जी, चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है, दूध पक रहा है। इस पॉइंट पे आके हम लोग इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड, जिसको हमने दूध में मिक्स कर लिया था। कस्टर्ड पाउडर शामिल करते वक्त आपने इसको हिलाते रहना है ताकि लम्स वगैरह इसमें गुटलियाँ ना बने। ये देखें जी, मैंने इसमें कस्टर्ड शामिल कर दिया है, इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि इसमें कोई गुटलियाँ वगैरह ना रहे, ये बहुत स्मूथ सा बन जाए। ये देखें जी, इसमें कोई गुटली नहीं है, बहुत स्मूथ बना है। इसको 5 मिनट के लिए पकाएँगे। ये देखें जी, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो रहा है पक के। देखें जी कितना स्मूथ है, कोई लम्स नहीं है इसमें। इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है और कस्टर्ड को ठंडा कर लेना है। ये देखें जी, कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया है। देखें जी, इसमें कोई गुटली नहीं है। इस पॉइंट पे आके हम लोग शामिल करेंगे क्रीम, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं शामिल तो कर सकते हैं। ये जी, मैंने इसमें क्रीम शामिल कर ली है, इसको अच्छे से हिलाऊँगी
ताकि क्रीम और कस्टर्ड एक तरह अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें जी, मैंने क्रीम और कस्टर्ड को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। कस्टर्ड को मैंने बॉल में निकाल लिया था ताकि हम सर्विंग करने में आसानी हो। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ है, कंसिस्टेंसी भी हमने ऐसी ही रखनी है। जेली को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, छुरी की मदद से इसको क्यूब्स में काटेंगे। ये लें जी, मैंने जेली को क्यूब्स में काट लिया है। ये देखें जी, इस तरह के मैंने इसके क्यूब्स काटे हैं। तीन मैंने ग्लास लिए हैं इस तरह के, क्योंकि मैं तीन डिफरेंट तरह की सर्विंग्स करूँगी। चलें जी, अब सर्विंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लास में शामिल करेंगे कस्टर्ड। तीनों ग्लासेस में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड शामिल करेंगे। तीनों ग्लासेस में कस्टर्ड देखे हमने शामिल कर लिया है। अब इनके ऊपर जेली की लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह आपने सारी साइड्स पे जेली फैला देनी है ताकि अच्छी सी इनकी एक लेयर बन जाए। ये देखें जी, मैंने तीनों ग्लासेस में जेली की लेयर लगा ली है। अब दोबारा इनके ऊपर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। ये देखें जी, तीनों ग्लासेस में मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा ली है। अब हम बिस्किट्स लेंगे और इनकी लेयर लगाएंगे। तीनों ग्लासेस में अलग अलग फ्लेवर ऐड करेंगे। अच्छी तरह फैला लेंगे सारी साइड्स पे ताकि इनकी एक अच्छी सी लेयर बन जाए। ये देखें जी, मैंने बिस्किट की लेयर लगा ली है। अब मैं इनके ऊपर ऐड करूँगी मैंगो चंक्स। मैंगो चंक्स की हम लोग लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह सारी साइड्स पे हमने इनको फैला लिया और तीनों ग्लासेस के अंदर मैंगो चंक्स की लेयर लग गई है। अब हम ऐड करेंगे इसके ऊपर मैंगो प्यूरी जो हमने बनाई थी। ये देखें जी, हमने मैंगो प्यूरी की लेयर लगा ली है। अब दोबारा हम इसके ऊपर बिस्किट की लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह फैलाना है आपने इनको ताकि एक अच्छी सी लेयर क्रिएट हो। ये देखें जी, बिस्किट हमने दोबारा डाल दिए हैं, अच्छी सी लेयर लग गई है बिस्किट्स की। अब दोबारा इसके ऊपर कस्टर्ड शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये देखें जी, मैंने तीनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड शामिल कर लिया है, इनकी एक अच्छी सी लेयर बन गई है। अब इसको एक अच्छी सी लुक देने के लिए एक साइड पे मैंगोज ऐड करूँगी और एक साइड पे जेलीज। ये देखें जी, मैंने एक साइड पे जेलीज ऐड की हैं और एक साइड पे मैंगोज। अब इनको फाइनल टच देती हूँ, फिर वापस आती हूँ। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा मैंगो ट्राइफल तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का बनता है, जल्दी से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। देखें जी, कितना मज़ेदार लग रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। आऊँगी अब मैं अगली मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।